आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने इस सेशन में बात करेंगे 30% जो यूपी बोर्ड की तरफ से सिलेबस को 10th के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसकी बात करेंगे। माय नेम इज संदीप शुक्ला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिलीटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स फ्रॉम द 10th सिलेबस 2022 एंड 2023 ऑफ द यूपी बोर्ड। अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। अगर 30% पाठ्यक्रम जो कम हुआ है उसकी बात करें तो वो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, सभी में कुछ ना कुछ रिड्यूस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में कि जो इतिहास यानी हिस्ट्री का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% उसकी, तो इसमें औद्योगिकरण का युग नाम का चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर था, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें औद्योगिक क्रांति से पहले और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की गति यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज एंड पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, उपनिवेशों में औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनाइज, लाइफ ऑफ वर्कर्स, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनुठापन एंड वस्तुओं के लिए बाजार, मार्केट फॉर गुड्स। ये जो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नामक चैप्टर था इतिहास का, उसको डिलीट कर दिया गया है। इसी में नीचे अगर हम बात करें फिफ्थ चैप्टर, तो फिफ्थ चैप्टर में 3 टॉपिक आते थे, उसे भी वो कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, जिसको नाम है मुद्रीकरण, संस्कृति और औद्योगिक विकास, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में पहला अगर बात करें तो यूरोप में मुद्रण का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन यूरोप। सेकेंड टॉपिक है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, क्योंकि भारत की बात की गई यहाँ पे। अगर हम बात करें राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृत में संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंट कल्चर पब्लिक डिबेट एंड पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। जो कि ये कहाँ से आते थे, ये आते थे इतिहास से। ध्यान से आप इनको कम करके आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप 10th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगर सेकंड हम बात करें तो ज्योग्राफी में बात करेंगे तो ज्योग्राफी का एक 6th चैप्टर था, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसको डिलीट कर दिया गया है, जिसमें आता था कि उसके टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अवस्थितिकीय वितरण, जो कि केवल मानचित्र पर, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मानचित्र पर इसको पूछा जा सकता है, कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी, एंड अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होता था, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण विनिमीकरण, इसको डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भूगोल से एक हुआ है जो, और साथ में यहाँ पर बात की गई है 3 चैप्टर, वन एवं वन्यजीव संसाधन की हम बात करेंगे। अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अभी प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, फ्लोरा एंड फोना की बात की, भारत में वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट इन इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व एंड जो कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तीसरे चैप्टर में जल संसाधन, वाटर रिसोर्स की बात की गई है,
जल संसाधन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और मल्टी पर्पज डैम, बहुद्देशीय परियोजनाएं जो चल रही हैं, प्लान, जल दुर्लभता, स्केयरसिटी, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड प्रबंधन की आवश्यकता। और उसकी बात बात करें हम कि वर्षा जल जो रेनफॉल के थ्रू जल आता है उसका कैसे हम यूज करते हैं, उसका संचयन, उसको स्टोरेज की बात करते हैं। तो ये केस स्टडी के साथ पढ़ाने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ये चैप्टर अब एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों चैप्टर से। इसमें यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि वन एवं वन्यजीव संसाधन तथा जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु ये ध्यान रहे कि इससे मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। मानचित्र से बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको डैम बोलते हैं, जो कि डैम है कि कहाँ पे कौन सा डैम है, उसकी उसको मानचित्र पे आपको शो करना होगा। और जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं, जो 3 प्रोजेक्ट आते हैं, ये जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनको वन एवं वन्यजीव संसाधन और जल संसाधन मिला से किए दिए जाएंगे। तो इनका आपको साथ में बहुविकल्पी प्रश्न का भी ध्यान रखिएगा कि उसके भी आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वो एक जीके बेस होता है। और वन, फॉरेस्ट और वाटर मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हैं, और मोस्ट ऑफ द एक अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो उससे भी रिलेटेड होते हैं। तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे इसने बताया, प्रोजेक्ट के बेस पे और मानचित्र में भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। मानचित्र संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी डैम कहाँ पे है, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, इस तरह से उड़की डैम, सलाल डैम, ये सब कहाँ पे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इस टाइप के डैम की बात, हीराकुंड बांध, इन सब बांधों की बात की जाएगी, सरदार सरोवर बांध, तो इन सब बांधों की बात की जाएगी। तो ये अभी भूगोल का था। अब हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र के कुछ अंश की बात, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। तो सिविक्स में एक टॉपिक था जो राजनीतिक दल, जो सिविक्स में बात करेंगे तो राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टीज करके एक टॉपिक था, तो उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। इसमें बात करें तो प्रतियोगिता एवं प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, व्हाट रोल टू डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन द कॉम्पिटिशन एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, विच आर द मेजर नेशनल एंड रीजनल रीजनल पार्टीज इन इंडिया में बात करेंगे। तो इस राजनीतिक दल वाले चैप्टर को, जो कि नागरिक शास्त्र या सिविक्स से आता है, उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके चैप्टर्स भी यहाँ पर, ये चैप्टर्स हैं उसके चैप्टर्स, और ये उसका टॉप नाम चैप्टर है। अब हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के अंश की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र में एक आता था मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इस ये चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया है। इसमें अगर हम पढ़ेंगे, अगर ये टॉपिक्स हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, रोल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, बचत साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय जिसका देना था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक, इंस्टीट्यूशन फॉर सेविंग एंड क्रेडिट जर्नल इंट्रोडक्शन, सेलेक्ट किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत या वाणिज्यिक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। अगर इंग्लिश में इसकी हम बात करें तो सेलेक्ट वन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज अ नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक एंड फ्यू इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक लोकल लोकल लैंडर्स लैंडलॉर्ड्स, इनको जमींदार बोलते हैं, एंड चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज, इन चैप्टरों को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर और टॉपिक्स, दीज आर टॉपिक्स एंड चैप्टर।
हमने अर्थशास्त्र में बात कर लिया कि कौन कौन चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर है मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट डिलीट हो गया है, इसको ध्यान से रख ध्यान में रख के इसको अपने में डिलीट मान लीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ताकि उसमें आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। नागरिक शास्त्र में बात करें, सिविक्स में बात करें, तो राजनीतिक दल नामक चैप्टर और उसके ये टॉपिक हैं। हिंदी वाले अपना देख लें, इंग्लिश वाले अपना। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में एक चैप्टर पूर्णतः डिलीट हो गया है, टोटली डिलीटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, साथ में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स, टू चैप्टर्स से सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, अति लघु उत्तरी ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी, लेकिन आपसे प्रोजेक्ट संबंधी कार्य इसी से कराए जाएंगे और मानचित्र संबंधी प्रश्न भी इससे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर डिलीट हो गया है, साथ में फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है, ये फिफ्थ चैप्टर है आपका, कि मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक विश्व, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।